The question with us is find the area of the shaded region in figure 12.22 where circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle. OAB is of side 12 cm. Okay, हमारे पास ये equilateral triangle है, इसका मतलब ये सारे का सारा जो triangle है वो कितना है, वो triangle जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया अभी हम लोगों की बात हुई और आपने मुझे बताया कि इट इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर होता है, राइट, दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू पीपल। सेकंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो मेरे पास सर्कल है बेटा, ये हमारे पास ये जो पार्ट है, मतलब आर्क का जो इसने पार्ट बोला है, इस केस में दिस एंगल इज 60 डिग्री, वी ऑल नो दैट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। सो इफ यू टॉक अबाउट द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज 300 डिग्री। तो एक तरीका क्या है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यस, दो आर्क वाला पार्ट है यानी ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसको हम लोग क्या लेंगे, अगेन ये भी आप सबको पता है कि हम लोग आर्क एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आपके सामने 22/7 दिया जाएगा और आर स्क्वायर जो है आपके पास 6 आ जाएगा क्योंकि रेडियस विल बी 6, ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपको ऐड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जिसका एरिया आपके सामने है √3/4 साइड स्क्वायर और इसमें ये साइड जो है वो 12 है, तो हम लोग इसी को यूज करके वी विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हेयर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 6 साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन टू अस, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 12 स्क्वायर, नाउ also each angle of equilateral triangle is 60 degree, therefore remaining sector is 300 degree, therefore area of sector हमारे पास क्या जाएगा, हम लोगों ने अभी देखा area of sector is 300/360 into pi into 6 square, जो बेटा जी कटता है उसको काट देते हैं, 6 60 60 5, so this is equals to 30 pi,
एंड देयर फॉर मैं यहां लिख रहा हूं टोटल एरिया इज √3 प्लस 30π। हम एक काम कर सकते हैं, हम इस रूट थ्री का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको 36 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 30 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। नाउ नोट दिस डाउन एंड सॉल्व दिस पार्ट एंड गिव मी द फाइनल आंसर एवरीवन। शाबाश राइट। ये बोलते हैं फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर इज कट आउट, ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। इट्स वेरी वेरी इजी। ये आपके पास 1 सेंटीमीटर का कॉर्नर है और ये आपके पास 2 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल दिया गया है और आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाला हूं कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, आंसर आप मुझे निकाल के देंगे। शेडेड एरिया इज एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस व्हाट एरिया ऑफ 4 कॉर्नर्स प्लस, यानी ये चारों कॉर्नर 1, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4 ये 4 कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो ये 4 कॉर्नर प्लस दिस मिडल वाला सर्कल, तो मिडल वाला सर्कल के लिए प्लस एरिया ऑफ द मिडल सर्कल। अब आपको फॉर्मूलाज पता है क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं ऑप्शंस और अपने वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। मेरी एरिया ऑफ मिडल सर्कल, आपको एरिया ऑफ मिडल सर्कल के लिए उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर ही होगा और यहाँ पे जो एंगल है जो थीटा है स्क्वायर का, आपको पता है ना कॉर्नर क्या होता है, ये सेक्टर है बेसिकली, ये 4 सेक्टर्स होंगे जिनका सेम एरिया होगा बिकॉज ये सब 1 सेंटीमीटर के आर्क बना रहे हैं। तो आपने इन चारों का एरिया जिसका एंगल है 90 डिग्री, तो आपके पास 4 times दिस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस, अब ये जो कॉर्नर है ये आपके पास क्या आएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर्स है बेसिकली, तो 4 एरिया ऑफ सेक्टर्स ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ मिडल सर्कल। तो अब आप इसमें वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकालेंगे और फिर मुझे बताएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। शाबाश जय हिंद सर।